के बोस एक मेरी साड़ी लिए हो कैसी के जिसकी चमक निराली बोस एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली वो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली बोस एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली कहीं भाई ये सोच के प्रोग्राम एकदम खत्म होगा कदे भगदड़ हो जा लेकिन देशभक्ति बात है बोस एक साड़ी लई है जिसकी चमक निराली और साड़ी के ऊपर फोटो चित्रकारी करा के लाना क्या लिखा पहली बात में क्या बताया साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवार भी हो हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने खपाली बोस एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली बोस एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली भाइयों ने कहा है कि भाई आधा घंटा कार्यक्रम और चलाना 30 मिनट नहीं 35 मिनट चलवा कोई दिक्कत नहीं देखिए जिसको जाना है जल्दी है वो चले गए और जो भाई पूरा चासडू है वो तो पूरा रस लेकर उठाएगा हाँ चाहे वो देशभक्ति हो चाहे वो डांस का हो आखिर में कम से कम आधा घंटा डांस का रहेगा आपका नौजवानों के लिए ठीक है चलिए भैया कहने लगी भाभी कि देवर तेरे जैसे और भी क्रांतिकारी है उनके फोटो साड़ी के ऊपर चाहिए किस किस का नाम लिया के बता दिया अरे चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रे चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता या निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मजोस भी हो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए मजोस जलिया वाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो अरे डायर मारा आप मरा एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली बोस एक साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली
भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो कहती है कि देवर मैं ये साड़ी नहीं मंगवा रही, हिंदुस्तान की तस्वीर बनवा रही हूं। जब जब हिंदुस्तान में कोई सांस्कृतिक मंच लगेगा, जैसे स्टेज ये लगी है, कम से कम एक गीत शहीदों के नाम जरूर होना चाहिए और उन महापुरुषों का जिक्र जिनके केवल नाम लेने से शरीर के दुख दूर हो जाते हैं, जिन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य मिलता है। कहीं भी सांस्कृतिक मंच हो या तो उनकी कथा कहानी जरूर होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी, उनका जिक्र नहीं होगा, तो सांस्कृतिक मंच खंडित रहेगा। किन का नाम लिया, क्या बता दिया, क्या बताया? राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण राज छोड़ के, राम लक्ष्मण राज छोड़ के बन में धक्के खाते हो, हरिश्चंद्र सत के कारण उठ काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। मोर धज भी चीर के बेटा संतों का शेर जिमाते हो, हिरणा कुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी, दिन आजादी कहो पूछे मिले के दिवाली वो सिर्फ साड़ी लइए हो, जिसकी चामा के निराली। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का गहना। भोली सकले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती भी झूमे बस्ती में। आखिर में सुभाष कहता है कि भाभी बरागनी बढ़िया तो लग रही है। आखिर में कहते हैं सुभाष, ए भाभी तने सारी दुनिया के फोटो अपनी साड़ी पे लगवा लिए, क्या तेरे देवर का फोटो नहीं लगना चाहिए? भाभी ने बोले कि देवर तेरा फोटो लगेगा फ्रंट पे, लगेगा फ्रंट पे, पर तू पहले यो काम कर, कौन सा काम अच्छा लगे सुनने के बाद ताली चाहूंगा। सुनिए क्या, और सांदोली वाले डॉक्टर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और इस रागनी के बाद में एक श्याम बाबा का भजन भी गाएंगे, किस प्रकार से करा देंगे, करा देंगे। हाँ जी, आज आजादी में खुली हवा में सांस ले रहे हम, कितनी बड़ी बात है। लेख बताते हैं 2-4 शहीद नहीं हुए, पूरे 7,32,000 क्रांतिकारी ऑन रिकॉर्ड शहीद हुए। 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना लहू भारत माँ के चरणों में चढ़ाया, तब जाके ये आजादी मिली लोगों, तब जाके। कई लोग कहते हैं कि दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत गांधी जी तन्ने तक कर दिया कमाल। गांधी जी ने क्या करता, अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर लो,
फिर तीसरा कर लियो, लेकिन सच्चाई की बात यह अगले के धाप को ना मार मार के बेहोश कर देगा। एक सुभाष चंद्र बोस कहता था कि रे थप्पड़ खा के आजादी को ना मिले, नौजवानों तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक कवि ने कहा हिंसा अगर परले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर डरपोक कायर ना बनता तो कभी गीता का ज्ञान नहीं होता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जैसों का अगर बलिदान नहीं होता चाहे 1,00,000 गांधी मर जाते यो आजादी का सहगाम भी नहीं होता। एक कवि ने लिखा कि गांधी तन लई आजादी चला चला का चरखा, हम कहते हैं आजादी को लाने वाले सौदा कर गए अपने सर का, सौदा कर गए अपने सर का। देखना भाभी कहती कि देवर पहले तू यो काम कर फिर तेरा फोटो फ्रंट पे लगवाऊंगी, और वो कौन सा काम आपके दिल को छू जाए तो नेताजी के लिए ताली चाहूंगा अपने लिए नहीं। सुनिए क्या लिखा क्या बताया। रामायण रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो। ताली चाहूंगा क्या कह के दिया सुनिए अगर दिल को छुए। आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामी खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता तुलाराम साथ में संग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा इस आजादी के जंग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के जंग में हो। फिर साक्रोध के नक्शे में सब रह दिखे हाली पाली भोसी की साड़ी लिए हो, अच्छी लगी तो बोलिए भारत माता की। डॉक्टर साहब का एक भजन करवाऊं उससे पहले मेरा दिल है एक भगत सिंह की रागनी और सुना दो अगर इच्छा हो तो आपकी, फिर डांस करवाना खूब सारे। सदनों जेल के अंदर बंद है भगत सिंह। भगत सिंह की माँ जेल के अंदर जाती है, एक बात के द्वारा अपने लड़के को क्या कहती है सुनिए, बड़ी बेहतरीन बात आई इस। और ये 100 रुपए भोम सिंह नंगली, 100 रुपए मंदिर में, 100 रुपए भजन पार्टी को लो, और 1100 रुपए मंदिर में महेंद्र सिंह पड़ावा, 150 रुपए राजेंद्र प्रसाद अध्यापक चौराया, 100 रुपए रणवीर सिंह यादव अलवर। धन्यवाद। ये आजकल की भी माँ है, 2-4 घंटे बैठने में धाप लिए बेचारी चाल पड़ी भैंस की धार का डेंगे। एक भगत सिंह की मां थी, भगत सिंह की मां पता चला तेरे इकलौते लड़के को फांसी की सजा भूल गई है, आंखों में आंसू नहीं आए, आंखों में आंसू नहीं आए, और जेल में पहुंच गई अपने लड़के से मिलने के लिए। अर्दाके ने बोली भगत के बात बेटा घबरा तो नहीं रहा? भगत सिंह बोला कि मां कैसी बात करती है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, और फांसी तो ऐसा समझ ले जो कर मेरा ब्याह हो, मेरी शादी हो फांसी के फंदे के साथ में, और मां मेरे देश के लिए दुल्हन लेकर आऊंगा और वह दुल्हन होगी आजादी। सजनों क्या कहता है, क्या कहती है मां सुनिए।
मेरे बड़े अजीज आदरणीय जगजीवन जी हमारे बीच में खड़े हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ, कम से कम इनको कुर्सी तो दो यार, आप लोग बैठे हो, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी, मैं समझ रहा हूँ। देखिए कोई फौजी जवान हो कोई पुलिस वाला हो, दुनिया में पुलिस एक ऐसा विभाग है जो गरीब की मदद करता है। कई लोग इनको करप्ट समझते हैं, भ्रष्टाचारी समझते हैं, लेकिन जब उन लोगों पर अपनी जान की आफत आती है, अपने साथ छोड़ जाते हैं, तो केवल पुलिस के पास जाते नहीं जाते, और फिर उस पुलिस का सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। एक बार जोरदार ताली इन टीम के लिए, पूरी टीम के लिए जोरदार ताली। चलिए भैया, अरे सो सो पड़े मुसीबत बेटा, हो इस मर्द जवान में। ओ बेटा मर्द तू जवान है पर डर लगता है, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो सो पड़े मुसीबत बेटा, सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। बोलो भारत माता की जय हो, बोलिए भारत माता की जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। एक तरफ शेर और दूसरी तरफ शेर की मां, जिसका दूध पी के वो शेर बना भगत सिंह। मां अपने बेटे को अजमा रही है और बेटा मां को अजमा रहा है। मां कहती कि बेटा डर तो नहीं लग रहा? भगत सिंह कहता ना मां स्वाद आ रहा है, जेल में पूरा मजा आ रहा है। भगत सिंह बोला कि मां एक बात बता, कल को मुझे फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा भारत मां के चरणों में, तुझे मेरी याद नहीं आएगी? माँ बोली हे बेटा आवेगी, तेरी खूब याद आवेगी, हे माँ तने याद आवेगी, तू रोवेगी? बोली ना बेटा रो को ना न्यू करूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी, अगले जन्म में तेरे जड़ूंगी, अगले जन्म में तेरे जड़ूंगी, ऐसी संतान में भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी करया करेंगे, बधाई तेरी करया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई तेरी करया करेंगे। और बेटा जब तू शहीद हो जाएगा तो ये दुनिया शेर की मां मन कया करेंगे, 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 हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में। हर घर में अपना करे, वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। एक
कमाल की बात बताऊंगा। 14 फरवरी हमारे लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे मनाती है, उस दिन 14 फरवरी 1931 को जज ने फांसी की सजा बोली भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कि इनको 24 मार्च 1931 को फांसी तोड़ दिया जाए। लेकिन बताते हैं पूरे देश में इन नौजवानों को बचाने के लिए लोगों ने आंदोलन करे, जगह जगह धरने दिए, जगह जगह लाठी चार्ज हुआ, अंग्रेजों के नाक में दम हो गया कि भगत सिंह हर को छोड़े या मारे। देश का सबसे बड़ा आदमी उस समय कौन था? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। क्यों सुनी भैया बेंजू? जवाहरलाल नेहरू तो था देश का चाचा और गांधी जी थे बापू गांधी, यानी के पूरे देश के बाप। अंग्रेजों ने बुलाए और ये कहा भाई तुम देश के बाप हो, तुम देश के बाप हो और तुम पिता हो, चाचा हो, बताओ क्या करना चाहिए। सजनों नींव लगी उनकी, पूरी कांग्रेस की नींव ला दी थी और घबरा के महात्मा गांधी पे साइन करवा लिए। अगर भगत सिंह जिंदा रह गया तो देश आजाद होने के बाद नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, यो भगत सिंह ही बनेगा। सजनों फांसी के ऑर्डर कर दिए कि फांसी तोड़ दी जाए 24 मार्च को, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा करके 23 मार्च को इन तीनों को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी तोड़ दिया था लोगों, और सिंधु नदी के किनारे टायर में इनकी लाश को जलाया था। इतना बुरा काम कर रहा था पूरा देश, किसी के घर में चूल्हा नहीं जला उस दिन। और एक और कमाल की बात, जब किसी को फांसी की सजा होती है उसके बॉडी का पूरा चेकअप होता है, स्वस्थ को फांसी देते बीमार को नहीं देते। उस समय भगत सिंह का वजन तोला गया तो 72 किलो का था, 72 किलो का। लोगो अगर किसी को पता लगे तुम मरेगा, तेरा कोरोना वायरस हो लिया, 7 दिन में मरेगा, कम से कम आधा वजन तो उसका 2 दिन में खत्म हो लेगा, नहीं हो लेगा। लेकिन बताते उस शेर का वजन, 14 फरवरी को फांसी बोली, 23 मार्च को फांसी टूटा, और फांसी टूटने से पहले जब भगत सिंह का वजन तोला गया सजनों 82 किलो 10 किलो वजन बढ़ गया। ये थे शूरवीर मर्दाने, सुनिए उनकी कथा में क्या बताया। और जब फांसी पे चढ़े आखिरी इच्छा पूछी, आखिरी इच्छा बताओ। भगत सिंह ने कहा कि आखिरी इच्छा मेरी ये है, हम तीनों भाइयों के हाथ खोल दो, एक बार मरने से पहले हम तीनों गले मिलना चाहते हैं, पता नहीं अब के बिछड़े कदम मिलेंगे। लोगों तीनों गले मिले, आसमान भी फूट कर होया, बारिश हुई, ये सच्चाई है। और जो जेलर उसकी आंखों में भी टप टप आंसू पड़े, फांसी के फंदे को चूम के गले में ले लिया और एक गीत अपने मुंह से गाया। ये गीत फिल्मों में भी आया लेकिन भगत सिंह ने अपनी डायरी में ये बोल लिखे थे, कौन से? फांसी टूटते वक्त। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। एक गोरख धंधा बने, एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, आजादी का किला चिने, एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, मेरे जैसा पूत जने, मेरे जैसा पूत जने, और मेरे जैसा पूत जने, बता कौन जहान में भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा है, ऐसा देश है मेरा।
कहा कि मरना तो वो सफल जिस पे दुनिया अफसोस करे। न्यू तो दुनिया में हर कोई पैदा हुआ है मरने के लिए, और मरते वक्त हम लोगों को संदेश दे के गए। और मैं खुले मन से कहता हूं, अगर आप कहीं भी रागनी के कार्यक्रम में जाओ, चाहे जागरण में जाओ, मेरे नौजवान भाइयों, जिस प्रकार आप डांस कह कह के करवाते हो ना कलाकार की नाक में दम करके, कम से कम एक रागनी आपको कसम उन शहीदों की, एक रागनी देशभक्ति जरूर सुना करो। कम से कम उनको एक गीत तो होना चाहिए। कहते कि आओ झुककर सलाम करे जिनके हिस्से में मुकाम आया है, आओ झुककर सलाम करे जिनके हिस्से में मुकाम आया है। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू इस वतन के काम आया है, काम आया है, काम। और इस रागनी पे खुशों के 100 रुपए से राजेंद्र दलालपुर टैक्सी वाला, और 500 रुपए श्री श्याम मित्र मंडल कमेटी, मान सम्मान करते एक बार जोरदार ताली बजाओ। और धन्यवाद न्यू भी कह गए, कर चले हम फिदा जान तन्नी साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतनी साथियों, कर चले हम फिदा जान तन्नी साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतनी साथियों, कर चले। शरणा मांगे राम गुरु का शरणा, मर के नाम अमर है करना, मर के भी नाम ही अमर है करना, मांगे राम गुरु का शरणा, मांगे राम गुरु का शरणा, मर के भी नाम अमर से करना, मर के बिना में अमर से करना, एक दिन होगा सबने मरना, 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 रसूरतीला भगवान में भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में। अगर अच्छा लगो तो दोनों हाथ खड़े करो, पर दोनों हाथ और ताली बजा के, ये भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में, रे 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 रे, भगत सिंह कद जी घबराज तेरा बंद मकान में। शहीदों को नमन करते हुए कहिए भारत माता की जय।